अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर आते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, हज 2022 की दरख्वास्त फॉर्म भरने की तारीख में 15 फरवरी तक की गई तौसी। मरकज हज कमेटी ने आज दरख्वास्त फॉर्म भरने की तारीख में 15 रोज तौसी कर दी है। मरकज हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब शेख ने बताया कि 31 जनवरी दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन आज़िमैन हज को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरने की तारीख में 15 रोज की तौसी की गई है। अब आज़िमैन हज 15 फरवरी तक दरख्वास्त फॉर्म भर सकते हैं। तेलंगाना रियासत में तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फरवरी की पहली तारीख 2022 से रीओपन हो जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया ऐलान। तेलंगाना रियासत में अब प्रॉपर्टीज की कीमतों में और दुगना इजाफा हो सकता है। बताया जा रहा है कि फरवरी की पहली तारीख से कीमतों में इजाफा होगा। फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा की पोती, जिसकी उम्र 30 साल थी, अपने ही घर में फांसी लेते हुए खुदकुशी कर ली। वो डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही थी। इसी सिलसिले में हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन में मजीद तफ्तीशात के लिए एक केस दर्ज किया गया। माहिर साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि नए किस्म का कोरोना वायरस, जिसका नाम न्यूकोफ है, जो पाया गया है साउथ अफ्रीका में। बताया जा रहा है न्यूकोफ वायरस तेजी से फैलता ही जा रहा है और जानलेवा है। ये जदीद वेरिएंट न्यूकोफ वायरस जैसे असर करता है और जानलेवा साबित हुआ है। डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी खौफनाक वायरस बताया गया है। रियासत तेलंगाना में कुछ मुकाम पर शदीद तरीन सर्दी महसूस होने का अंदेशा है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर सकता है और शहर हैदराबाद में 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है आने वाले 2 दिनों में। टीआरएस सियासी पार्टी जो तेलंगाना हुकूमत है, दूसरी अमीर रीजनल पार्टी बन गई है फाइनेंशियल ईयर मार्च 2020 के लिए। कुल टीआरएस पार्टी के एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट कुल 301.407 करोड़ रुपए है। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के चलते गांधी हॉस्पिटल में पेशेंट्स की गिनती में इजाफा होता जा रहा है। 44% इजाफा हुआ है, जिसका मतलब 74 पेशेंट कोविड-19 से मुतासिर है, जो इलाज हासिल कर रहे हैं गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड पर। तेलंगाना रियासत में टीआरएस हुकूमत जॉब नोटिफिकेशन नहीं जारी करने के खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया अपोजिशन लीडर और यूथ कांग्रेस की जानिब से। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कुछ को गिरफ्तार किया। जीवी के वेंगलराव पार्क के करीब खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें बाइक सवार शख्स हादसे का शिकार हो गए और मौके हादसे पर ही उनकी मौत वाकई हो गई। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।